नमस्कार, महू एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश पड़ियाल और इस समय हम जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पत्नी टॉप में मौजूद हैं और आपको एक ताज़ी खबर बता दें कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन को जो है बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया और ये पत्नी टॉप है। यहाँ पे यो सैलानियों का आए दिन यहाँ मेला लगा रहता था, लेकिन आज यहाँ पूरी तरह से वीरानगी छाई हुई है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एक होटल के मालिक हैं लवनीश साठे जी, उनसे बात करेंगे कि लॉकडाउन की मार जो है होटल व्यवसाय और होटल के मालिकों पे किस तरह से पड़ रही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बाहू एक्सेस में, और ये बताएं कि किस तरह की जो मार जो है झेलना पड़ रही है होटल व्यवसाय। देखिए, ये पिछले साल भी ये महामारी आई थी, इस साल भी आई है। अब तो ये सब ऊपर वाले पे डिपेंड है। चलो, वो तो है, मुश्किल तो हो ही रहा है क्योंकि अब स्टाफ को बार बार हम निकाल नहीं सकते। फिर जब काम होगा उनको कैसे बुलाएंगे, किस मुँह से बुलाएंगे, तो हम खर्चा बेर कर रहे हैं। अब सारा क्या करना है। बाकी ये है कि हमें यही है कि गवर्नमेंट से थोड़ी ये सपोर्ट मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी का जो है और पानी का बिल है उसमें थोड़ा हमें कंसेशन दी जाए, 50% कम से कम रिबेट मिल जाए। या हमें जो इंडस्ट्रियल रेट लगता है, जैसे इन्होंने पहले लगाया था मुफ्ती साहब के टाइम, फिर एक साल लगाया तो छोड़ दिया, तो वो हमें लगाया जाए जिससे हमें हमारे ओवरहेड्स में थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिले। प्लस हम लोग GST भी पे कर रहे हैं, उसमें भी अगर कुछ हो सके कंसेशन मिल जाए और पानी के बिजनेस भी मिल जाए, यही हम कह सकते हैं। बाकी तो हम SOP फॉलो कर रहे हैं। ये थे लवनीश साठे जो कि होटल के एक मालिक हैं और लगातार ये कोरोना महामारी की मार जो है ये अब दूसरे साल भी लगातार इनको पड़ रही है। और ये पत्नीटॉप का एरिया जो है 24 घंटे जो है सैलानियों से भरा रहता था, लेकिन अब लगभग एक साल हो गया है। एक साल से जहां सैलानी बहुत कम आ रहे हैं, सरकार की तरफ से अब लॉकडाउन को 17 मई तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। और इनका कहना है कि सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी बिल और पानी के बिल में इनको थोड़ी सी कंसेक्शन दी जानी चाहिए। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश वड़ियाल, बाहू एक्सेस न्यूज, उधमपुर, पत्रिका। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।